अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। 15 अगस्त को हमारे बिलवड प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जहां उन्होंने कहा था कि 173 बॉर्डर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज में NCC विंग चालू होगा। अब इस अनाउंसमेंट से क्या मतलब था, मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत के कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जिन्हें चूज़ किया गया है, और जो कुछ कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री तट है जहाँ पे, वहाँ पे उन एरियाज को चूज़ किया गया है जहाँ पे NCC स्टार्ट होगा। ये महत्वपूर्ण स्टेप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो यूथ है, जो बॉर्डर एरियाज पे यूथ है ना, वो बहुत झेला हुआ है क्रॉस फायरिंग में। ये यूथ जो है बहुत झेला हुआ है। NCC इनके स्कूलों में अगर आ गया तो इनको एक रीज़न मिलेगा पता करने के बारे में, फोर्सेस के बारे में जानने के लिए। दे विल स्टार्ट हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आज भी बहुत सारा यूथ है जम्मू कश्मीर का जो इंडियन आर्मी को पसंद नहीं करता। जब लोकल सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो कोई भी काम करने में बड़ा मुश्किल होता है। फिर चाहे वो अपनी आर्मी हो, चाहे वो अपना एयरफोर्स हो, चाहे वो भारतीय पुलिस हो, कुछ भी हो, इनको प्रॉब्लम होता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को जानने के लिए, अच्छे से इनकी फंक्शनिंग जानने के लिए NCC विल प्ले अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट रोल। इससे हमारा जो यूथ है वो डिसिप्लिन्ड बनेगा, हमारा जो यूथ है वो बहुत अच्छे से आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बारे में जान सकेगा, और उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ये स्टेप रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा स्टेप को वेलकम दिया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड अ प्रपोजल। ये जो प्रपोजल था इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है फॉर एक्सपेंशन ऑफ NCC, ताकि जो हमारा यूथ है वो मोटिवेट हो सके, हमारा जो यूथ है वो फोर्सेस ज्वाइन कर सके। इस स्टेप से अ टोटल ऑफ 1 लाख कैंडिडेट्स फ्रॉम 173 बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज विल बी बेनिफिटेड। 1 लाख यूथ बेनिफिट होगा इससे, जिसमें से 1/3 गर्ल्स होंगी। NCC ने ये प्रपोज किया है कि हम 1000 स्कूल्स NCC ने आइडेंटिफाई किए हैं बॉर्डर एरियाज में एंड कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज देगा और यूथ को ट्रेन करेगा डिसिप्लिन होने में। NCC का एक मेन एम जो था, जिस एम से NCC स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल 1988 में, वो था कि हमारे यूथ को डिसिप्लिन कर सकें और यूथ के अंदर पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग ला सकें, देशभक्ति की फीलिंग ला सकें। देखिए, हम रोजगार की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि वी हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट द नेशन। वी बिकम सो सेल्फिश एट टाइम्स कि हम अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। और इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए NCC जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। NCC इज़ अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ये कहना गलत होगा कि NCC सिर्फ आर्मी के लिए है, नहीं, इट्स अ ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज के लिए है, फॉर इनकलकेटिंग डिसिप्लिन एंड पैट्रियाटिज्म इन यूथ। बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो यूथ है उनके अंदर पैट्रियाटिज्म आए, उनके अंदर पूरा का पूरा डिसिप्लिन आ सके। अब ये जो 1 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, 1000 स्कूल्स में NCC जाएगी, उसमें NCC टोटल 83 नई यूनिट्स बनाएगी, जिसमें से 53 यूनिट्स आर्मी के होंगे, 20 यूनिट नेवी के होंगे और 10 यूनिट एयरफोर्स के होंगे। तो इन टोटल 83 यूनिट्स जो हैं वो NCC की नई बन रही हैं इस बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज पे। आर्मी का जो बेसिक काम होगा, आर्मी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आर्मी का मुख्य रूप से काम होगा ट्रेनिंग करवाना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कराना उन एरियाज़ में जो बॉर्डर के आसपास हैं। मतलब देखिए, बॉर्डर पे आर्मी पूरी है, तो आर्मी बेसिक क्या कर रही है, जो बॉर्डर एरियाज़ में NCC बन रहा है,
आर्मी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है उन एनसीसी यूनिट्स के थ्रू. नेवी विल प्रोवाइड इन कोस्टल एरियाज, जितना जहाँ पे ओशंस हैं, जितना समुद्री तट है, वहाँ पे नेवी जो है वो आपको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देगा, ट्रेनिंग देगा. और वायुसेना विल सपोर्ट एनसीसी यूनिट्स क्लोज टू एयरफोर्स यूनिट्स, जहाँ जहाँ भारतीय वायुसेना अड्डे हैं, जैसे पठानकोट हो गया, ठीक, उधमपुर हो गया. तो इधर क्या है कि ऑलरेडी वायुसेना है, जब वहाँ एयरफोर्स स्टेशन हैं तो एयरफोर्स स्टेशन जो है वो बगल में एनसीसी यूनिट्स को सपोर्ट करेगा. इस एक स्टेप से व्यूअर्स लाखों लाखों यूथ जो बॉर्डर में झेल रहा है, जिनके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं, जिनके अंदर एंटी आर्मी, एंटी एयरफोर्स, एंटी नेवी सेंटीमेंट्स है, वो थॉट प्रोसेस बदलेगा. और जब थॉट प्रोसेस बदलेगा ना, तभी देश की उन्नति होगी, तभी देश की ग्रोथ होगी. तो व्यूअर्स, वी शुड ऑल वेलकम दिस स्टेप. ये बहुत 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 अच्छा स्टेप है हमारी डिफेंस फोर्सेस को इम्प्रूव करने का, हमारी डिफेंस फोर्सेस की इमेज हमारे यूथ में इम्प्रूव करने का, एंड फाइनली यूथ में पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग लाने का. तो व्यूअर्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा. कुछ कमेंट्स आते हैं तो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू. जय हिंद. अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ. डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी. आज ही डाउनलोड करें.